वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। अभी ना मैं एक्चुअली रास्ते में हूँ, एक जगह पे जा रहा हूँ। ज़रा टाइम देख लूँ मैं क्या हुआ है। रुको ज़रा होल्ड करो। टाइम हो गया जी दोपहर के 1:30। बारिश आ रही है अभी। देखो मेरे कपड़े पूरे गीले पड़े हैं। आज मैं सुबह से घूम रहा हूँ ऐसे ही बारिश में, नई नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो सुबह से ऐसे ही गीला ही हूँ मैं, पूरे मेरे कपड़े गीले हैं। तो अभी मैं हूँ ऋषिकेश से तकरीबन कितना होगा यार, ये 20 किलोमीटर के आसपास होगा। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। एक ये गांव है, इस गांव का नाम है, मुझे नहीं पता क्या नाम है इसका, मैं भूल गया इसका नाम क्या है, बट जहाँ पे मुझे जाना है उसका नाम है इठारना। तो इठारना जा रहा हूँ मैं। अजीब सा नाम है इसका। और ये एरिया भी बहुत बढ़िया है। देखो आसपास, देखो जरा पहाड़ों पे। चलो अब चलता मैं आगे। आगे की अपडेट जो मतलब आगे की अपडेट्स हैं वो चलते चलते रास्ते में दूंगा मैं आपको। अभी देखो ऐसा है कि हो रही है बारिश, बट मेरा कैमरा वाटरप्रूफ है, तो इस चीज़ का एक बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे मिलेगा। एक्शन कैमरा लेने का है ना, एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है। अब 25-26 हज़ार रुपये मैंने इस पर लगाए हैं, तो ये फुली वाटरप्रूफ है। मैंने अभी रिव्यू डाला था 2-3 दिन पहले अपने कैमरे का, कि 100 फीट तक आप इसको पानी के अंदर लेके जा सकते हैं। और कैमरा इटसेल्फ इतना कैपेबल है कि 16 फीट विदाउट वाटरप्रूफ केसिंग के जा सकता है। तो अभी नॉर्मल बारिश है, इस कैमरे के लिए इसको हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने कैमरा निकाल लिया। साइड में ढक्कन होता है मेमोरी कार्ड वाला, जहाँ पे लगते हैं, और उसको मैंने कर लिया कवर, ताकि थोड़ी बहुत जो पॉसिबिलिटी हो पानी जाने की वो ना रहे। चलो टेक्निकल बातें ख़त्म हो गई। अब थोड़ा यहाँ पे मैं रुका था एक जगह देखने के लिए, एक पॉइंट है मंदिर, यहाँ से ऊपर जाके कहते हैं कि बहुत अच्छी लोकेशन पे है। बाकी देखते हैं कितनी अच्छी लोकेशन पे है। सामने एक्चुअली में पहाड़ है, बट उसके आगे ना बादल आए हुए हैं। ये जो पूरी लेयर देख रहे हो ना, ये पूरी लेयर बादलों की लेयर है ये। भाई यहाँ के तो नज़ारे ही बड़े ज़बरदस्त हैं। मैं सोच रहा था अब सीधा मंदिर ही जाके रुकूं, बट यहाँ पे व्यूज़ कुछ ऐसे हैं ना कि मैं बार बार रुकने पे मजबूर हो रहा हूँ। ये पूरा नीचे खाली सा है, मतलब प्लेन है देखो नीचे से, और ऊपर पहाड़ है। आज एक्चुअली मुझे जाना था इठारना। इठारना विलेज है, एक ऋषिकेश से है कोई 25-30 किलोमीटर ऊपर की तरफ, पहाड़ों पे जाके है बिल्कुल। तो वहाँ जाना था, लेकिन आज मेरे ना हाथ बहुत जम गए हैं यार, मतलब मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा अपने हाथों में बहुत। तो मैं सोचा आज नहीं जाता, कल जाऊँगा, क्योंकि आज मैं सुबह से गीला हो रहा हूँ, मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। तो कपड़े गीले हैं और बहुत ठंड लग रही है मेरे को, और यहाँ पहाड़ों पर जंगल है ऐसे पूरा मेरे पीछे। देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा नज़ारा है। तो मैं सोचा यार आज ना स्कूटर चला ही नहीं जा रहा, मेरे से प्रॉब्लम ये हो गई, हाथ मेरे जम गए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। ऐसे जम गए हैं जैसे मैंने फ्रीज़र में डाल दिया अपने हाथ 1 घंटे तक, ऐसे जम गए हैं बिल्कुल, फील नहीं हो रहा मेरे को कुछ भी। तो कल थोड़ी प्रिपरेशन से आऊँगा, फिर चलेंगे यहाँ पे। आज का मैं नहीं कर रहा व्लॉग, में जितना भी बनाया ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं। अगर कुछ अपडेट उसमें ऐड करनी होगी तो मैं दोबारा कर दूँगा, वैसे ज़्यादा ही छोटा बनाऊँगा व्लॉग, इतना छोटा व्लॉग ठीक नहीं रहता। पता नहीं कितने मिनट का, 5 मिनट का भी नहीं है मुझे लग रहा है, या फिर शायद 5 मिनट से ज़्यादा हो, पता नहीं यार। जो भी है मैं सोचा एक बार अपडेट कर देता हूँ आपको। बाकी जो आसपास वाला एरिया है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जगह बड़ी अच्छी है यार, नो डाउट। सामने बादल है, उस बादलों के पीछे पहाड़ है,
ये देखो सामने बीच में एक घर है, बस दूर दूर तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंगल घर है, घर ही लग रहा है मेरे को तो, पता नहीं क्या है यार ये। हाँ घर लग रहा है, पता नहीं कोई रहता नहीं रहता। क्या जगह है यार ये, बहुत अच्छी। चलो यार आज चलता हूँ मैं, आज का व्लॉग कुछ सक्सेसफुल नहीं रहा। चलो जो भी है जितना भी बना है इसको मैं डाल दूंगा। चलो यार चलते हैं घर, घर जा रहा हूँ मैं ऋषिकेश में। अभी मेरे हिसाब से बहुत बारिश हो रही होगी, सुबह तो हो ही रही थी बहुत तेज़ बारिश। अभी मैं रास्ते में जा ही रहा था वहाँ से निकल के, तो अभी ये पता चला कि स्कूटी का टायर पंचर हो गया बीच रास्ते में, ये एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब इसको धीरे धीरे चला के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो यार 6-7 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, ये पूरा जंगल वाला एरिया, देहरादून वाला रोड है ये, यहाँ कुछ नहीं है, 6-7 किलोमीटर बाद ही मिलेगा जो भी मिलेगा। मैंने आप लोगों को ऋषिकेश का नया वाला रेलवे स्टेशन तो दिखाया, योग नगरी, क्या मैंने पुराना वाला दिखाया? नहीं दिखाया, ये है पुराना वाला रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का। ये वाली जो रोड है इसको कहते हैं रेलवे रोड, ऋषिकेश में रेलवे रोड है ये वाली। आज ये भी देख लो, नारियल मिल जाएगा भैया, नारियल नारियल दो पैकेट। अब लिया जी ये एक नारियल, एक बटर स्कॉच शेक बना देना यार। अपना शेक तो आ गया जी, बटर स्कॉच शेक, अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो जी शेक डन इन लेस देन 2 मिनट्स। अब यहाँ से चलते हैं